अस्सलाम वालेकुम। आरके कुकिंग क्रिएशन में आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर हम आए हैं। ये है एग बिरयानी। दो लोगों के लिए बनने वाली ये एग बिरयानी बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से हमने इसको बनाया है और आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इजीली आप अपने घर में बना सकते हैं जिसने अभी अभी न्यू किचन स्टार्ट की है। तो चलो देखते हैं। इसके लिए हमें एक कप राइस चाहिए, ये बासमती चावल है। इसको लेकर आप अच्छे से धो ले और आधा या एक घंटे के लिए इसे भीगने के लिए रख दे। भीगने से ये अच्छे से फूल जाते हैं। उसके बाद हमने एक प्याज लेकर इसको फ्राई कर लिया है, गोल्डन फ्राई करके निकाल ले, गार्निश के लिए काम आएगी। अब चार अंडों को हमने बॉईल कर लिया था, अब इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर ले, हल्का सा कलर आ जाए तो निकाल ले। दो लोगों के लिए हम ये बिरयानी तैयार कर रहे हैं और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस। आप अगर ऑयल कम करना चाहे तो इसमें से निकाल भी सकते हैं। उसके बाद हमने आलू को ऐड कर लिया है। ये दो मीडियम साइज़ के आलू थे, इसको हमने कट करके धोकर ऐड कर दिया है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम एक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और उसको भी फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने कुछ खड़े मसाले ऐड करना है, जिसमें दालचीनी, इलायची, एक बादियान का फूल, शाहजीरा। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद हमने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसको भी भून ले। और उसके बाद हमने ये मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड की है और एक कटोरी दही। दही ऐड करने के बाद अच्छे से भून ले। दही का कच्चापन दूर हो जाए तब तक भून ले। उसके बाद छोटी वाली हरी मिर्ची ऐड कर ले, ये तीखी होती है और बड़ी वाली फीकी। आप उसके जगह और कोई भी सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ एक एक मुट्ठी ऐड करना है और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अब ये यखनी तैयार है। उसमें हमने एक टमाटर ऐड किया है। आप चाहे जितने भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद हमने बॉईल अंडे ऐड करना है। अब ये यखनी लगभग तैयार है। एक तरफ हमने चावलों को बॉईल कर दिया है और उसको 80% हमने पका लिया है। उसके बाद हमने इस यखनी पर इस चावलों को ऐड कर देना है, अच्छे से फैला दे और उसके बाद बिरयानी वाला कलर ऐड कर दे, ज़ाफ़रानी। उसके बाद हमने ये फ्राई की हुई अनियन थी, प्याज थी, उसको भी ऐड करना है और पुदीने के और हरे धनिए के पत्तियों को भी ऐड कर देना है। अब इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए दम पे रख दे। अब ये बिरयानी लगभग तैयार है, अच्छे से दम हो चुकी है। देखो इसका दाना दाना खिल चुका है और बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार ये बिरयानी बनके तैयार है। आप इंजॉय करें। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो सर्व करते हैं इसको। देखो कितनी टेस्टी मज़ेदार ये बिरयानी बनके तैयार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।